Jesus! राधे श्याम के बाद अब आदि पुरुष कितने बजट में शूट हो रही है? क्यों कहा प्रभास ने कि रामायण की यह कहानी हर किसी के कानों पर पहुंचने वाली है? क्या राधे श्याम और बाहुबली दोनों की ही रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है फिल्म आदि पुरुष? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म राधे श्याम बाहुबली और साथ ही साथ इन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो सकती है फिल्म जिसका नाम है आदि पुरुष, उसके बारे में। तो उन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। प्रभास, जो कि साउथ इंडियन फिल्म यानी टॉलीवुड फिल्म के काफ़ी बड़े एक्टर हैं, जिन्होंने हाल ही में पैन इंडिया फिल्म की शूटिंग कर ली है, उनकी पैन इंडिया फिल्म आदि पुरुष अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी नजर आ रही है। इस फिल्म का बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा बस भी है। और आपको बता दें कि इसमें प्रभास एक नए टाइप के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। उनके लिए ये किरदार बहुत ही अलग और नया होने वाला है, क्योंकि इस फिल्म में वो निभा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का किरदार। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में वो राम का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिसकी स्टोरी होने वाली है रामायण की कहानी। ओम राउत और नाग अश्विन मिलकर इस फिल्म की जो है वो डायरेक्शन कर रहे हैं और दोनों ही इस फिल्म को लेकर काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। नाग अश्विन ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो चाहते हैं कि ये सारी की फिल्मों की कहानी जो है वो हर किसी के कानों पर पहुंचे, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ओम राउत का भी सेम चल रहा है। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म के बाद जो है वो प्रभास की काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, ऐसा नाग अश्विन जी को लगता है। उनके हिसाब से इस फिल्म में प्रभास को लेना सबसे अच्छा आइडिया था, और साथ ही साथ इस फिल्म की 30% मार्केट वैल्यू होने वाली है, क्योंकि प्रभास के फैंस पैन इंडिया भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं फिल्म बाहुबली के बाद। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बाहुबली के एक्टर यानी कि प्रभास के साथ काम करना उनका बहुत बड़ा सपना था और बहुत अच्छा है, लेकिन वो इस फिल्म में काम नहीं कर पा रहे थे कोविड-19 के कारण। लेकिन अब फाइनली इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जून जुलाई में इस फिल्म की स्टार्ट हुई है शूटिंग, और साथ में हमें इसमें एक और एक्टर दिखने वाले हैं जिनका नाम है सैफ अली खान। जी हाँ दोस्तों, सैफ अली खान प्रभास के साथ काम करने वाले हैं विलन के रूप में, यानी कि रावण के रूप में। रावण के रूप में हमें सैफ अली खान दिखाई पड़ने वाले हैं, जिसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रभास की राधे श्याम भी अपकमिंग एक फिल्म है, जिसकी शूटिंग पूरी कर चुके हैं वो, और साथ ही साथ उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो भी एक पैन इंडिया फिल्म है और वो भी रिलीज़ होने ही वाली है। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं ओम राउत, उनके साथ और भी कई सारे प्रोड्यूसर जुड़ने वाले हैं, जैसे कि उनका नाम है भूषण कुमार, प्रसाद सूरत और राजेश नायर। ये चारों मिलकर इस फिल्म का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इस फिल्म को रिलीज़ करने की बात चल रही है अगले साल यानी कि August 11, 2022 में। आपको बता दें कि उन्होंने कहा, ओम राउत ने इस फिल्म के डायरेक्शन से लेकर और भी कई सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि राम भगवान की पूरी कहानी दिखाना तो इस बात पर संभव नहीं है, इसलिए वो इस कहानी का थोड़ा सा एक हिस्सा ले रहे हैं, जिसका किरदार निभा रहे हैं प्रभास। वो भी उनके साथ काम करने के लिए बहुत एक्सपेक्टेड है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आपको एक बात और बता दें कि प्रभास भी इस फिल्म के लिए काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। खैर, कमेंट सेक्शन में आप अपनी एक्साइटमेंट जरूर जाहिर कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।